एपिसोड 88 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। डैगजिन बोलता है, हे जी सही में तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो। तुम बहुत ही सालों से वैली का रिसर्च कर रहे थे, मुझे लगा था कि तुम भाग गए हो, इसलिए मैं ये सब किया था तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। वो बोलता है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, यहाँ तक कि चैन बैक्सोन भी तुम्हें मार नहीं पाया। सुनबे बोलती है, हे जी अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये ड्रैगन सेक्टर के झमेले में कभी नहीं आओगे तो हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जी बोलता है, अगर तुम यहाँ पर रुककर ड्रैगन सेक्टर से माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा। डैगजिन बोलता है, सही में इसे बहुत ही ज़्यादा भाव है। वो बोलता है, हे जी तुम कभी भी हम तीनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, चलो देखते कि तुम कौन सा ताकत छिपा के रखे हो। चैन बोलता है, उसका असली ताकत मैं हूँ। नुआन बोलती है, पापा ड्रैगन मास्टर मिस्टर चैन के सेक्टर में जुड़ गए हैं और उस सेक्टर का नाम है नॉर्थ ज्वेल सेक्टर। अब से ड्रैगन सेक्टर नॉर्थ ज्वेल सेक्टर के अंडर में होगा। उसका पापा बोलता है, क्या नॉर्थ ज्वेल सेक्टर, ये तो चैन बैक्सियन है। सब लोग चैन को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, चैन बैक्सियन। वो बोलता है, इमॉर्टल मास्टर चैन हमारा आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, आपके ऊपर जी ने हमला किया था तो आप इसका साथ क्यों दे रहे हो। चैन बोलता है, जी मेरे सेक्टर का एक मेंबर है, तुम ड्रैगन सेक्टर पर कब्जा किए हो जो नॉर्थ ज्वेल सेक्टर के अंदर आता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या करूँगा। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या, और वहाँ से डर के मारे वो लोग भागने लग जाते हैं। चैन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। तभी चैन एक स्किल से सभी को कब्जे में ले लेता है। डैगजिन बोलता है, ये किस तरह का स्किल है। सुनबे बोलती है, ये भगवान का ताकत है, ये ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाएगा, हमें तब तक इंतजार करना होगा इसके गायब होने का। चैन अपने मन में बोलता है, ये सही बोल रही है, मेरे पास जितना ताकत है मैं उसे ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाऊंगा। तभी वो अपने थंडर से चैन पर हमला करने जाता है। चैन बोलता है, सही में तुम्हें ये थंडर के बारे में पता नहीं है ना। वो बोलता है, पहले मेरे हमले से बच के तो दिखाओ। फिर चैन उस पर हमला कर देता है। वो बोलता है, ये क्या है। चैन बोलता है, ये है थंडर का असली ताकत। फिर वो उसे जला देता है। वो दोनों शॉक्ड होकर बोलता है, एक इमॉर्टल लेबल इसी तरह मर गया। डैगजिन स्नेक से सिल पर हमला करता है। तभी सुनबे बोलती है, ये सब बेकार है करना, ये भगवान का ताकत है, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। तभी डैगजिन अपने स्नेक से चैन पर पॉइजन का हमला करता है और बोलता है, मैं अपने सॉर्चरी के कारण इमॉर्टल लेबल में पहुंच गया हूँ और मुझे अपने स्नेक पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है। सुनबे बोलती है, हे संभल के, वो चैन बैक्सियन है, वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। लेकिन चैन आराम से वहां से बच जाता है। डैगजिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है, इसे तो कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक है अब मेरे ये 10,000 पॉइजन बग से बच के दिखाओ। चैन वो सभी बग को पूरी तरह जला देता है और बोलता है, तुम एक इमॉर्टल लेवल के हो और अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रहे हो, ठीक है अब मेरे पंच से बच के दिखाओ। वो एक ही पंच में वो स्नेक को पूरी तरह चितरा चितरा कर देता है। जी अपने मन में बोलता है, ये पंच तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। सुनबे घबरा जाती है और बोलती है, सर मैं जी की तरह आपको मास्टर बोलने के लिए तैयार हूँ। चैन बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनबे चिल्ला के बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन चैन उसका बात नहीं मानता है और वो उसे वहीं पर मार डालता है। फिर हमें अगले सीन में लिन फैमिली के मेंशन में दिखाया जाता है। सभी लोग मेंशन की ओर इशारा देते हुए बोलते हैं, ये तो हमारे एंसेस्टर मास्टर है ना, लगता है कि हमारे मास्टर अर्थ इमॉर्टल लेवल में पहुंच गए। एक बूढ़ा आदमी बोलता है, पिछले 2 सालों से चैन बैक्सोन पूरे दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है और उसने अपना नॉर्थ ज्वेल सेक्टर भी बना लिया है। इस वजह से लिन फैमिली के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो गया है। अब हमारे एंसेस्टर मास्टर लिन स्विमेंग अर्थ इमॉर्टल में पहुंच गया है तो चैन बैक्सोन इनके सामने कुछ भी नहीं है। तभी लिन रूम से बाहर आ जाता है। सभी लोग बोलता है, मास्टर आपका स्वागत है। लिन बोलता है, खड़े हो जाओ। एल्डर बोलता है, एंसेस्टर मास्टर क्या अब आप अर्थ इमॉर्टल लेवल में पहुंच गए हो। लिन अपना सर हिलाने लग जाता है। वो लोग बोलता है, मास्टर आप क्या ना क्या चाहते हो। लिन बोलता है, चैन बैक्सोन कहाँ पर है। एल्डर बोलता है, एंसेस्टर मास्टर चैन बैक्सोन ड्रैगन मास्टर के पीछे गया था वैले में और अभी 1.5 साल हो चुका है लेकिन उसका कोई खबर नहीं आया वहां से, लेकिन अभी भी नॉर्थ ज्वेल सेक्टर है यहाँ पर। लिन बोलता है, ठीक है चलो नॉर्थ ज्वेल सेक्टर। नॉर्थ ज्वेल के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे कंपनी भी है और उसे संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगले सीन में हमें जीव को दिखाया जाता है। वो बोलती है, पता नहीं टीचर कब वापस आएंगे। जुड़ाई बोलती है, चिंता मत करो टीचर के लिए, वो लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मुझे पक्का लग रहा है कि वो कहीं पर कल्टीवेट कर रहे होंगे। तभी हुआ बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, उनके आटे इमॉर्टल बचाने के लिए कुछ ही लेवल बाकी है। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है। हुआ उसे देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो वही है। फिर वो बोलता है, मैं हूँ हुआ, नॉर्थ ज्वेल सेक्टर का दूसरा डिसाइबल। मास्टर लिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है
कि तुम चैन बैक्सून का डिसाइबल बन गए हो। अगर हॉक्साई और जोंगाई तुम्हें देख लेते तो वो सही में पागल हो जाते। हुआ बोलता है, मास्टर लिन, मैं आपका बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्थ ज्वेल सेक्टर में आकर मेरा बदनामी करो। लिन बोलता है, वो ऐसी बात है, फिर चलो देखते हैं कि चैन बैक्सून तुम्हें कितना सिखाया है। फिर वो उस पर हमला कर देता है। फिर वह अपना दम लगाकर उसके हमले को रोकता है, लेकिन वो उसके हमले को रोक नहीं पाता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। जियो अपने मन में बोलती है, ये अपना पूरा दम लगा दिया लेकिन फिर भी इसे रोक नहीं पाया। लिन बोलता है, अगर तुम 10 सालों तक भी ट्रेनिंग करो फिर भी तुम मेरा एक तलवार का हमला को रोक नहीं पाओगे। और वो एक ही हमला से हुआ को हरा देता है। जुड़ाई बोलती है, लिन, तुम हाउसाई के टॉप सोर्ड मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम गुंडा की तरह नॉर्थ ज्वेल सेक्टर पर हमला क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे मास्टर को खोजने आए हो ना यहाँ पर। लिन बोलता है, तुम ये हो ना नॉर्थ ज्वेल की क्यून जो पोजिन को मारा था। फिर वो उस पर हमला कर देता है। जुड़ाई उसके हमले को रोकने के लिए अपने तलवार से हमला कर देती है, लेकिन वो उसके हमले को रोक नहीं पाती है और वो दूर जाकर गिर जाती है। लिन बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे हमले से बच गई हो। ठीक है, अब मेरे इस हमले से बच के दिखाओ। तभी टोंगसन आकर उस पर हमला कर देता है। लिन बोलता है, तुम ही हो ना वो हैंगलिन का एक्सपर्ट, इतना बुरा भी नहीं हो, क्या तुम मेरे तलवार के हमले को रोक पाओगे? फिर वो अपने तलवार से टोंगसन पर हमला कर देता है और टोंगसन भी लिन के हाथों से हार जाता है। लिन बोलता है, अगर चैन बैक्सून नहीं आया तो मैं हर दिन नॉर्थ ज्वेल सेक्टर का एक आदमी को मारता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं 3 दिन के बाद चैन से लड़ूंगा डोंगाई में, तब तक मैं यहाँ से जाता हूँ। कुछ देर के बाद एक लड़का दौड़ते हुए आता है और बोलता है, मेरे पास एक खबर है, चैन वापस आ गया वैलिस है और उसने 3 इमॉर्टल एवल को मार भी दिया है। वह अपने मन में बोलता है, अब नॉर्थ ज्वेल बच गया है। जुड़ाई अपने मन में बोलती है, मैं इतना मेहनत की थी नॉर्थ ज्वेल सेक्टर को बनाने के लिए, जब वो वापस आता तो वो मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नॉर्थ ज्वेल सेक्टर को बचाने के लिए उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। यून बोलती है, क्या चैन लिन को हरा पाएगा? वह बोलता है, प्लीज चिंता मत करिए, आपको पता नहीं है कि हमारे मास्टर के पास कितना ताकत है। फिर 3 दिन के बाद लिन वहाँ पर लड़ने के लिए आ जाता है। ये लड़ाई देखने के लिए हेवन सार्ट के सभी ग्रैंड मास्टर लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर याहू आ जाता है। लिन बोलता है, याहू, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे। याहू बोलता है, बेशक मुझे यहाँ पर आना ही था। तभी ली वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, हम लोग यहाँ पर इमॉर्टल लेवल का मुकाबला देखने आए हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी तलवार लेकर आ जाता है। सभी लोग उसे देख के बोलते हैं, ये तो वाटानाबा है ना, मुझे नहीं लगा था कि ये अभी भी जिंदा होगा। वाटानाबा बोलता है, हे लिन, ये बहुत ही बेकार है कि मैं अब तुमसे लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि तुमने 60 सालों से सो टेक्निक पर काम किया है। तभी वहाँ पर किंगलोंग के लोग आ जाते हैं और उसके साथ स्पैरो और किंगलोंग भी होता है। ली बोलता है, किंगलोंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी जिंदा होगे और उसके अलावा तुम इमॉर्टल लेवल में पहुंच गए हो। लॉन्ग बोलता है, तुम बूढ़े आदमी लोग मरे नहीं हो, फिर मैं क्यों मरूंगा? फिर वो बोलता है, हे लिन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम प्रॉमिस किए थे कि तुम ऑक्साई में कभी नहीं आओगे। लिन बोलता है, चैन बैक्सून ने मेरे डिसाइबल को मारा है, मुझे इसका बदला लेना ही है। लॉन्ग बोलता है, लिन को मरना ही था, उसने 3 आदमी से मिलकर चैन बैक्सून पर हमला किया था और वो लोग चैन बैक्सून के सामने टिक नहीं पाए। लिन गुस्से से बोलता है, वो इसके लिए पछताएगा, मैं उसे मार डालूंगा। लॉन्ग अपने मन में बोलता है, लिन का कंडीशन बहुत ही खराब है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे यहीं पर खड़ा होकर देखना होगा। फिर लिन चिल्ला के बोलता है, चैन बैक्सून, तुम कहाँ पर हो? दूसरी तरफ यून बोलती है, क्या चैन को इसके बारे में खबर नहीं है क्या? कॉन्ग बोलती है, आंटी चिंता मत करिए, चैन आने ही वाला है। तभी चैन पानी के अंदर से बाहर आने लग जाता है। यही बोलता है, हालांकि चैन बैक्सून सी को कंट्रोल कर पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड इमॉर्टल में आप इस स्टेप में है। स्पैरो बोलती है, अंकल, चैन बैक्सून सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो इतने ताकतवर पानी को कंट्रोल कर पा रहा है। लॉन्ग बोलता है, चैन बैक्सून थंडर स्ट्रॉन्ग को काबू कर पाता है, इसका मतलब ये हुआ कि चैन बैक्सून का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। नॉर्थ ज्वेल सेक्टर के सभी लोग चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हेवन चार्ट के सभी लोग चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये सही में इंसान है? मुझे लग रहा है ये पानी का भगवान है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, लिन, इसका ऑरा सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है, लेकिन लिन अभी तक अर्टी इमॉर्टल लेवल में पहुंचा नहीं है और ये मुकाबला होने के बाद तो अपने पूरे जिंदगी में वो अर्टी इमॉर्टल लेवल में पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मुझे मार सकता है? क्या इसके पास कोई स्पेशल टूल है? लिन बोलता है, चैन बैक्सियन, आखिरकार तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। चैन बोलता है, बकवास बंद करो लिन, तुमने मेरा नौकरानी पर हाथ उठाया है और नॉर्थ ज्वेल सेक्टर को परेशान किया है तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लिन बोलता है, हाँ मुझे पता है और इसे खत्म करने के लिए किसी एक को मरना ही होगा। फिर चैन अपने मुक्के से उस पर हमला कर देता है और वो अपने तलवार से उसके हमले को रोक देता है और बोलता है, मुझे नहीं लगा था
कि 60 साल के कल्टीवेशन के बाद मुझे तुमसे लड़ना होगा। मुझे लगा था कि मैं कैंग से लड़ूंगा। चलो अच्छा ही है कि तुम यहाँ पर आ गए हो।